किन्हीं लोगों को मेरे बात पे अविश्वास हो तो जाके चेक कर लें, जब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया जा रहा था 1947 में, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली ने 15 मार्च 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित करते समय जो भाषण दिया है उसमें यह कहा है कि वो भारत इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अब ब्रिटिश सैनिकों की ब्रिटिश क्राउन के लिए लॉयल्टी विश्वास करने योग्य नहीं है। तो उसमें उन कारणों का कोई उल्लेख नहीं जो हमें समझाया गया है, यानी सीधे सीधे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उसकी वजह से ही यह हालात पैदा हुए। तो स्वतंत्रता कैसे मिली, स्वतंत्रता के बाद हमारा विचार कैसे चला, आप बताइए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उस जमाने में बना था, आज हमारी सरकार आने के बाद उड़ीसा को भी, चाहे भुवनेश्वर को आईआईटी मिली हो, आईएम मिला हो, कोरापुट को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली हो, बहुत सी चीजें हो रही हैं। अगर उसी जमाने में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस बन गया होता 50 के दशक में, इन 75 सालों में हमने बहुत से पेटेंट करा लिए होते, हम वर्ल्ड लीडर होते। आज जो मोदी जी ने किया 2018-19 में जाके, अरे हम 70 साल पीछे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं था अपने ज्ञान के ऊपर, अपने राष्ट्र के सिद्धांत के ऊपर, इसलिए यह समस्या रही। तो अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो मैंने सिर्फ आपको बताने कोशिश किया, पहले अपने मन से विष निकालिए, उसके बाद अमृत तत्व आपको स्वतः दिखने लगेगा। और जैसे कि यह मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर की ध्वजा विपरीत दिशा में बहती है, तो विपरीत दिशा में खड़े होने की शक्ति उत्पन्न कीजिए और आप देखिए, मुझे इस बात का विश्वास है कि जहां सूर्य भगवान का भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर था, राष्ट्रवाद का सूर्य वहां भी उगने का वक्त आ गया। और यह भी समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने 2014 से पहले भी यह कहा था कि देश का जो पूर्वी छोर है यह विकास की दृष्टि से पश्चिम के मुकाबले थोड़ा पीछे रह गया है, जब तक यह विकसित होकर आगे नहीं आएगा तब तक राष्ट्र वास्तविक स्थिति में विकसित नहीं होगा। अब मैं मानता हूं कि विकसित होने का वह समय उत्तरोत्तर निकट आता चला जा रहा है। और ये बात वैसे मैं पहले बोल चुका हूं, यद्यपि कोई राजनीतिक मंच नहीं, पर एक बात बोले देता हूं, जब सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो कहा जाता था ना कोणार्क के सूर्य मंदिर में इस ढंग से बना था कि सूर्य की पहली किरण आकर पड़ती थी, तो आप सोचिए कि उसकी आर्किटेक्चुअल डिजाइन, उसका वास्तु के साथ कंप्लायंस और उसका एस्ट्रोनॉमिकल कंप्लायंस, जिसमें धरती की एक्सियल टिल्ट से लेके और सोलर सिस्टम, और मजे की बात जानते क्या है, सूर्य की जो गति होती है वो एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसके अंदर इलिप्टिकल एंगल भी है। मुझे लगता है इससे बड़े वंडर दुनिया में कहीं होंगे हमारे मंदिरों में जो है, मगर वो नहीं बताए गए हमारे। मगर उस पर मैं कहना चाहता हूं, 1 जनवरी 1901 को जब इस धरती पर, भारत की धरती पर सूर्य की पहली किरण पड़ी, तो इस देश में किसका शासन था, पूरे देश में अंग्रेजों का शासन था। 50 साल बाद 1 जनवरी 1951 को जब प्रथम सूर्य की पहली किरण इस धरती पर पड़ी, तो पूरे देश में कांग्रेस का शासन था। और 1 जनवरी सन 2001 को जब 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण इस धरती पर पड़ी, तो इस देश में किसका शासन था, अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का शासन था। और 2001 में ही एक और घटना हुई थी, भारत की राजनीति में मोदी जी का पदार्पण हुआ था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, और अगले दशक में स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा का शासन आया। अर्थात यह नियत संकेत दे रही है, भगवान सूर्य की यह गति संकेत दे रही है कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की। बस यहां से वह सूर्य उगने का समय आ गया है। बस इतना समझ लीजिए, भगवान कृष्ण के ही जीवन से आपको संदेश देते हुए बताते, जब उन्होंने पूरा उपदेश दिया गीता का, उसके बाद भी अर्जुन को कॉन्फिडेंस आ गया था क्या, उसने कहा महाराज वो सब तो ठीक है, मगर इतने बड़े बड़े लोगों को कैसे मारेंगे आप, कैसे कह रहे हैं बात। तो फिर क्या हुआ, भगवान कृष्ण अपना विराट रूप दिखाया और कहा देखो ये भवितव्य है, तुम्हें सिंहासन में बैठना, इन्हें जमीन पे पड़े होना है। तो अर्जुन ने कहा महाराज जब ये तय है तो किस बात का रक्तपात करना, आप पलक झपकाइए, मैं सिंहासन में बैठाऊंगा और ये भूमि पर पड़े होंगे। भगवान ने कहा तय तो है पर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही।
तो भगवान कृष्ण ने उंगली की दिशा दिखाई थी, हम अपनी उंगली को सही दिशा में प्रयोग करेंगे तो आप निश्चित समझ लीजिए कि तय तो भविष्य में है, बस हमें सही कर्तव्य करना होगा और भारत एक नए स्वरूप में उभर कर सामने आने के लिए तैयार है। और यह सूर्य की धरती जब नए सूर्य के किरण का उदय करेगी तो मैं मानता हूं कि पूरब से पश्चिम तक, और एक और बात समझिए, जहां भगवान कृष्ण का हृदय माना जाता हो, जब तक हृदय में तरंग नहीं उठेगी तब तक पूरे देश में तरंग कहां से आएगी। और आप ये समझिए 21वीं सदी में नया भारत आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है, हम संकल्प करें और हम यह विचार करें कि हमने इन 75 वर्षों में बहुत कुछ पाया है, साइंटिफिक एडवांसमेंट भी किया है पर बहुत कुछ खोया भी है। तो हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है, जो हमने पाया जो हमने खोया। तो अटल जी की इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं कि स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, अभियान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें।